जिस इंजेक्ट हो रहा है देखिए किस तरह से खाते हैं, ये देखिए से ही आपके शरीर में अगर एंटीवेनम नहीं लेते हैं तो आपको जो है ना कि खून को जो है ना कि शरीर में जमाना चालू कर देता है। और इसको अब हम लोग जो है ना कि एंटीवेनम देते हैं। आपका फिर से स्वागत है मेरा स्नैक रेस्क मुजफ्फरपुर यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग आप लोग के पास जो है कि बहुत ही रोचक और एकदम इंटरेस्टिंग भरी और जानकारी भरा वीडियो हम आपके पास लेके आ रहे हैं। और वो वीडियो देखने के बाद आपको जो है कि कोई भी अगर सांप काट लेता है तो आप जो है कि कैसे बचेंगे या किस तरह से आप अपना इलाज प्रॉपर ढंग से सही समय पे आप करवा सकते हैं, इसलिए हम एक जो है कि प्रैक्टिकल के रूप में आप लोग को दिखाना चाहते हैं। ऐसा वीडियो आपको जो है कि कोई भी आदमी जो है कि नहीं दिखाता है। और खास करके ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कि हमारा बिहार के और यूपी के लोग जो है कि खास करके हमारे धोखाधड़ी में पड़ जाते हैं, जैसे बाबाओं के चक्कर में, झाड़ फूक के चक्कर में, जिसके कारण उसका मौत निश्चित ही हो जाता है। और अमूमन जो है कि इसका आंकड़ा जो है कि सरकार के पास भी नहीं रहता है, क्योंकि मरने के बाद उसका जो है कि पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। उसके बाद उसको जो है कि पानी में एक केला के थंब पर रखकर उसको जाने के पानी में प्रवाह कर दिया जाता है कि कहीं भी जाकर कुछ हो जाए। मैं उसका मानना रहता है कि सांप के काटने के बाद 24 घंटे के बाद जो है कि पानी अति केला के थंब पर दहाड़ने से जो है कि कहीं ना कहीं जाकर वो जीवित हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। इसलिए आज हम आप लोग के सामने हम प्रैक्टिकल मिलाए कि सांप अगर आपको काट लेता है तो आप कितने समय में हॉस्पिटल पहुँचते हैं कि आपको जान बच जाएगा, एकदम प्रैक्टिकल के रूप में आज हम आप लोग को बताएंगे। जिस इंजेक्ट हो रहा है देखिए किस तरह से, और इतना काफ़ी सारा विष निकल गया। और इतना विष काफ़ी है किसी भी आदमी को जो है कि इतना सारा विष 10 आदमी को मारने के लिए काफ़ी है। और ग्लैंड से हम थोड़ा सा और धक्का देकर जो है कि हम निकालते हैं, यहाँ से पुश करते हैं। यस देखिए पुश करते ही किस तरह से निकलते हैं, अपने ही छोड़ देगा। चलिए चलिए, और इसे जिसको हम लोग यहाँ रखते हैं, चलिए चलिए हट जाइए। वन टू थ्री, सांप को विष निकाल लिया, इसे हम लोग फिर से कैरी बैग में हम लोग डाल देते हैं। जो कि आप देखें कि आपने अभी हम एंटीवेनम जो है कि किस तरह से सांपों के से एंटीवेनम मैंने एकत्रित कर लिया। और उसके बाद आप वीडियो में देख रहे होंगे कि हम अपने ब्लड से ही जो है ना कि हम अपना ब्लड निकालकर हम अपने ब्लड पे ही जो है ना कि प्रैक्टिकल करेंगे कि अगर सांप के काटने के बाद अमूमन बोला जाता है कि 2 घंटे के अंदर में आपको एंटीवेनम मिल जाए लग जाता है शरीर में, तो आपको जो है ना किसी कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन 2 घंटे के बाद अगर हमारे शरीर में एंटीवेनम लगता है तो फिर हमारे शरीर में एंटीवेनम का फंक्शन काम कैसे करता है, उसके लिए हम आप लोग को बताएंगे। आज हम जानते हैं, यहाँ दिखाइए हमारे पास, ये हमारे ब्लड से ही जो है कि एकदम निकाला हुआ एकदम ताज़ा ब्लड है, जिसमें जो है कि 24 घंटे तक ब्लड जो है कि एकदम फर्स्ट क्लास से रहता है। ये देखिए कोई ब्लड जमा हुआ नहीं है, मेरा ही ब्लड खुद है, यहाँ भी है। और हम लोग अब आज करेंगे क्या कि 5 ब्लड है, मतलब कि इसमें एंटीवेनम, मतलब कि इसको अगर सांप काटता है तो उसी समय इसको एंटीवेनम मिल जाता है, तब इसका कैसा फंक्शन काम करता है। और उसके बाद इसको अगर सांप काटा तो ये आधे घंटा में पहुंचा हॉस्पिटल, तो आधे घंटा में पहुंचा तो इसका कैसे फंक्शन काम करेगा। इसको काट लिया तो ये जो है ना कि 1.5 घंटा में पहुँच 1 घंटा में पहुँचता है हॉस्पिटल, 1 घंटा में पहुँचेगा तब इसका कैसा रिएक्शन होगा। और फिर मेरे पास ये है, इसके बाद 1.5 घंटा के बाद ये जो है ना कि हॉस्पिटल पहुंचता है, इसको सांप काटने के बाद 1.5 घंटा के बाद हॉस्पिटल पहुंचेगा, तब इसका क्या कंडीशन रहेगा, स्थिति क्या रहेगा। और
ये 2 घंटे के बाद ये पहुंचता है, इसको भी सांप काटने के बाद ये 2 घंटे के बाद हॉस्पिटल पहुंचता है। उसके बाद इसका क्या रिएक्शन होता है दोस्तों, वीडियो पे आप लोग एकदम बने रहे, वीडियो बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग बना है, और वीडियो को शेयर भी कर दे ताकि आप लोगों के पास जो है किसी जानकारी मिले। और यूट्यूब पर मेरा जो पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि आप वीडियो को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसा ही रोचक भरे और जानकारी भरा वीडियो आप लोग के पास हम लेते आएंगे। ये पांचों, मान लीजिए पांचों आदमी है, पांचों आदमी को सांप काटा एक ही समय पे, और पांचों जो है ना किसे कौन टाइमिंग को साथ चल रहा है, कौन टाइमिंग के बाद चल रहा है, उसके बाद क्या रिएक्शन होता है वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे। और इसमें मैंने ये देखे, ये वेनम, बहुत सारा वेनम, इतना वेनम काफ़ी आदमी को जो है कि मौत के घाट उतारने के लिए, ये वेनम हम आप लोग के सामने ही इस वेनम को जो है कि हम लोग डिस्ट्रॉय कर देंगे, मतलब इसको नाश कर देंगे ये सब प्रैक्टिकल करने के बाद। अब इसको हम लोग जो है कि सब में जो है कि एक एक बूंद हम लोग जहर डालेंगे। पहले जो है कि हम लोग जो है कि इसको हम लोग इसमें निकाल लेते हैं, और ये चलिए अब आ जाइए, अब इसमें हमने वेनम को निकाल लिया है। ओ माय गॉड, और बहुत ही सावधानी पूर्वक हमको इसके साथ काम करना होगा, और आप लोग इस तरह का नकल करने की कोशिश ना करेंगे कहीं की, कहें कि कहीं ना कहीं जो है ना कि आपको जो है ना कि धोखा का सामना, मतलब कि गलत चीज़ का सामना करना पड़ जाए और आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए आप लोग ऐसा एकदम ना करें। चलिए, और हम इसको, ये है, इसको हम लोग खोलते हैं। चलिए हम लोग टाइमिंग के साथ चलते हैं, यहाँ घड़ी में आप देख लीजिए, मोबाइल में दिखाइए, 3:00 जो है ना कि 8 मिनट अभी हो रहा है समथिंग, और उसके बाद हम लोग इसी 3 मिनट के, 3:08 पर जो है कि हम लोग 9 मिनट हो गया, 3:09 पे हम लोग यहाँ पे सारे जो है ना कि आदमी को जो है ना कि समझिए कि ये आदमी है, इसमें हम लोग 20 इंजेक्ट करेंगे, और 2 घंटे के बाद हम लोग जो है कि आपको बताएंगे कि कैसा कैसा रिएक्ट करता है, प्रत्येक 1/2 घंटे पर हम आपके पास आएंगे। चलिए ठीक है, चलिए इसको अब हम लोग इसमें थोड़ा सा वेनम डालते हैं, देख लीजिए, चलिए एक चला गया, एकदम सावधानी पूर्वक चला गया, काफी है एक एक बूंद, दिख रहा है, चला गया, चला गया, चला गया। चलिए अब ये सबको हम लोग जो है कि बंद कर देते हैं फटाक से, चलिए और इसको भी हम पैक कर दिए। अब सब में हम अब इसको, ये सारे सांप को जो है कि समझ लीजिए कि सारे ये आदमी है, पांच आदमी, पांचों आदमी को जो है कि समझ जाइए कि सांप ने काट लिया। अब क्या कर, और ये एंटी वेनम को हम लोग इसमें जो है कि वाटर मिलाकर एंटी वेनम तैयार कर रहे हैं जो सांपों के जहर को मारता है, और यही एंटी वेनम है, यहाँ देखिए एंटी वेनम, जितना अच्छा से इसको मिला दे और घुल मिल जाता है। चलिए चलिए, और इसमें हमने जहर इंजेक्ट कर दिया, जो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पहले ब्लड था, और अब जो है कि ब्लड किस तरह से काला पड़ना, भद्दा धब्बा पड़ना होना चालू हो गया, मतलब कि अब जमना चालू हो गया है, मतलब विष को जाते ही ये जमना चालू हो गया। लेकिन चलिए अब इसमें हम लोग एंटीवेनम इंजेक्ट करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि ये कैसा काम करता है। चलिए मान लेते कि इसको जो है ना किसे सांप काटा, और ये काटते ही एंटीवेनम लेने चला गया, और इसको हम लोग एंटीवेनम दे देते हैं। चलिए इसको हम लोग एंटीवेनम, जाते इसको सांप काटते ही इसने एंटीवेनम ले लिया, सारे सांप को जो है ना कि सांप ने काट लिया, और सारे सांप जो है ना, ये सारे सांप ने इस आदमी को काटा, और उसके बाद इस आदमी ने सांप के काटते ही एंटीवेनम जाकर ले लिया है, और इसके बाद 2 घंटे के अंदर में इसका क्या फंक्शन होता है ये हम दिखाने की कोशिश करेंगे।
देखिए एंटीवेनम जाते ही ब्लड को जो है कि एकदम साफ करना चालू कर दिया है। इसमें मैंने एंटीवेनम जो डाल दिया सो आपने देखा ही, एंटीवेनम डालने के बाद जो है कि ब्लड जो है कि कितना किस तरह से पतला होना चालू हो गया है, देख सकते हैं एकदम जो है ना कि एकदम पतला। चलिए ठीक है, इसके बाद सही समय समय पे हम आपको जो है ना कि 2 घंटा इस वीडियो को बनाने में लगेगा, लेकिन आप लोग वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन 2 घंटा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा लंबा होगा, इसलिए वीडियो पे बने रहें ताकि आप भी जो है ना किसी कोई भी अगर विकट परिस्थिति आप आ जाए तो आप इस जानकारी रखे रहेंगे, तो इससे आप किसी और का भी जान बचा सकते हैं और अपना भी जान बचा सकते हैं। चलिए टाइमिंग अब देख लीजिए, अब आधा घंटा हो गया, आधा घंटा के बाद ये सांप काटा इसको, अब ये आधा घंटा के बाद ये हॉस्पिटल पहुंच रहा है, उसके बाद इसको एंटीवेनम मिल रहा है। देखिए खून ब्लड जो है कि किस तरह से जम चुका है, लेकिन इसको अब हम लोग ये देखिए किस तरह से जम गया है एकदम, और इसको अब हम लोग जो है कि एंटीवेनम देते हैं। चलिए इसको हमने एंटीवेनम दे दिया, आधे घंटे के बाद ये पहुंचा है मरीज, इस मरीज को हम लोग एंटीवेनम दे दिए और इसको अब हम लोग रख दे रहे हैं, और 1 घंटे के बाद अब ये पहुंचेगा, 1.5 घंटे के बाद ये पहुंचेगा और 2 घंटे के बाद ये पहुंचेगा, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 2 घंटे के बाद पहुंचता है उसका क्या स्थिति होता है, इसलिए आप लोग को बताना चाह रहे हैं ताकि आप लोग जो है कि सही समय पर एंटीवेनम का जो है कि यूज कर ले और हॉस्पिटल जाकर जो है कि अपनी जान को बचाएं। चलिए आप लोग वीडियो पर बने रहें और आप यहाँ पर फोकस कीजिए, ये 5ों मरीज को एक ही सांस वेनम सांप ने काटा, बाइट किया, और ये इसको काटा तो इसने काटते ही एंटीवेनम के लिए हॉस्पिटल पहुंच गया, और उसके बाद ये थोड़ा सा आधा घंटा ये लापरवाही बरता तो ये आधा घंटा में आकर एंटीवेनम लिया, लेकिन ये दोनों एंटीवेनम लेकर यहाँ पर हॉस्पिटल में मौजूद है, और ये तीनों अभी जो है ना कि समझिए कि टाइम पास करते हुए ये घूम रहा है, तब जाकर क्या होता है वो आप लोग को हम बताने की कोशिश करेंगे, बस आप लोग वीडियो पर बने रहें। चलिए और इसमें तो हमने आधा घंटा हो गया था, उसके बाद आधा घंटा के बाद हमने एंटीवेनम डाला इसमें, और ये देखिए किस तरह से ये जो है कि ब्लड जो है कि जम चुका है, ये धीरे धीरे देख सकते हैं, और इसमें एंटीवेनम डालने के बाद इसको हम देखते हैं कि ये ठीक से पूरा इसको धक्का को जो है कि ये ब्लडिंग जो जम रहा है उसको वो तोड़ता है कि नहीं तोड़ता है, ये हम लोग जो है कि लास्ट में हम लोग देखेंगे इसको। 4:09 हो गया और टाइमिंग के साथ 1 घंटा हो गया, ये 1 घंटा से पहले जो है कि ये सांप काटते ही हॉस्पिटल पहुंच के एंटीवेनम लेकर हॉस्पिटल में है, ये आधे घंटे के बाद ही आया, और ये दोनों हॉस्पिटल में भर्ती है, और ये तीनों अभी जो है ना कि घूम रहा है, घूमते ही ये जो है ना कि 1 घंटा के बाद जो है कि हॉस्पिटल पहुंच रहा है, इसका स्थिति आप देख लीजिए, इसका ब्लडिंग जो है कि जमना चालू हो गया है पूरा, देख सकते हैं किस तरह से, ये देखिए पूरा गाढ़ा हो रहा है। अब इसको हम लोग एंटीवेनम देते हैं और इसको हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं, इसको एंटीवेनम हम लोग दे दिए। चलिए इसको भी एंटीवेनम मैंने दिया, लेकिन ये टाइम व्यर्थ गमाकर 1 घंटे के बाद ये आया है, इसको हम लोग भी हॉस्पिटल में डाल देते हैं, ये हॉस्पिटल में तीनों हैं, और ये दो जो है कि अभी सांप काटने के बाद ये इधर उधर जो है कि मार्केट में एंटीवेनम और सांप का इलाज ढूंढने में इसके परिजन लगे हुए हैं, और इसका परिजन जो है कि 2 घंटे वाला जो है ना कि इसका परिजन जो है ना कि झाड़ फूक के कारण किसी भगत के यहाँ अभी जा ही रहे हैं, जो झाड़ फूक भगत वाले कन जाएंगे उसका भी स्थिति हम बताएंगे, और इधर उधर भटक कर जो है ना कि एंटीवेनम खोज रहे हैं और सांपों का इलाज खोज रहे हैं उसका भी स्थिति बनाएंगे, और ये पहले ही आ गया, ये आधा घंटा में आया, ये 1 घंटा में आ गया, सबका बारीकी से 2 घंटा का वीडियो है, लेकिन हम आपको समय समय पर बताते चलेंगे, हम आपको बताते हैं कि आपको कि क्या करना नहीं करना चाहिए। चलिए ठीक है, वीडियो पे आप लोग बने रहें। चलिए इसको एंटीवेनम हम लोग दे दिए, सबको एकदम बराबर के क्वांटिटी से इसको जहर दिया गया है, जहर रखा गया और सबको क्वांटिटी में ही एंटीवेनम दिया जा रहा है। चलिए अब इसको जो है कि हम लोग ये हॉस्पिटल में आकर ये भर्ती हो गया, मतलब इसको वेनम लगते ही आ गया, ये एंटीवेनम आधा घंटा के बाद, ये 1 घंटा के बाद, ये 1.5 घंटे के बाद, लेकिन ये व्यक्ति जो है अभी ये जो है कि झाड़ फूक के चक्कर में लगा हुआ है, और अभी इसको भगत जो है ना कि झाड़ रहे हैं कि झाड़ने से जो है कि हम ठीक कर देंगे, देखते हैं कि आखिर इस पेशेंट को क्या होता है 2 घंटे के बाद ये हॉस्पिटल पहुंचता है।
तब आप लोग वीडियो पे बने रहे, एकदम बारीकी से हम आपको जाने के एकदम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब 2 घंटे के बाद इधर दिखाइए, और ये सब हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है एंटीवेनम लेकर, लेकिन ये झाड़ फूक के चक्कर में पड़ा हुआ था और 2 घंटा अपना ये बर्बाद कर चुका है, जिसके कारण इसका ब्लड जो है कि एकदम गाढ़ा हो चुका है। देख सकते हैं इसका ब्लड एकदम गाढ़ा हो चुका है, और इसको हम जैसे जानकार भरे लोग जो गांव में हैं तो होंगे, जो उसको जो है कि डांट कर जो है कि इसको बोला कि साला तुम क्या कर रहे हो, ओझा गुनी के चक्कर में मारा जाएगा ये। लेकिन उसके बाद जो है कि इसको ओझा गुनी के चक्कर में 90% तो मरिए गया हुआ है। अब इसको जाकर हॉस्पिटल लेकर जाओ यार कि एंटीवेनम इसको मिलेगी ताकि ये जी सके, नहीं तो ये तो रास्ते में मर जाएगा। लेकिन चलिए ये 2 घंटे के बाद हमारे हॉस्पिटल में आ गया, अब इसको हम लोग जो है कि एंटीवेनम देते हैं, इसको भी हम लोग आनंद फानंद में एंटीवेनम हम लोग को देना होगा। इसको एंटीवेनम हम लोग थोड़ा सा अधिक देंगे। चलिए इसको हम लोग ने एंटीवेनम इसको भी हमने दे दिया, लेकिन ये समय बहुत ही गवा कर ये आया हमारे पास, 2 घंटा ये समय गवा दिया, 2 घंटे के बाद ये हमारे हॉस्पिटल में आया। चलिए इसको भी हम लोग जो है कि हॉस्पिटल में ये 5ों के साथ हम लोग इसको भर्ती कर दिए। अब ये 5ों के साथ हम लोग ने भर्ती कर दिया है इसे, और ये 5ों को हम लोग 3 घंटे के बाद हम लोग रिजल्ट देखेंगे कि 3 घंटे में आखिर कौन कौन पेशेंट जो है कि जिंदा रहा और कौन कौन पेशेंट मर गया। चलिए दोस्तों ये 1 घंटे के बाद हम लोग मिलते हैं। चलिए फाइनली 2 घंटे के बाद हम लोग आ गए हैं, और कौन निष्कर्ष पे निकलते हैं वो हम बताते हैं, जो कि सांप काटने के बाद हम बताते हैं कि पैर में काटे, माथा में काटे, हाथ में काटे, मुंह में काटे, कहीं भी सांप काटे, सांप काटने के बाद सांप का जहर का काम रहता है हार्ट में जाना, हार्ट का काम रहता है पूरे शरीर में फैलाना, जिसको जो है कि 2 घंटा कम से कम समय पूरे शरीर में फैलाने में लग जाता है, जो प्रैक्टिकल करके रूप में हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए। चलिए यहाँ पर दिखाइए, ये 5ों बंदा को जो है कि सांप ने काटा, और ये 5ों बंदा जो है कि समय पर आकर ये काटते ही एंटीवेनम ले लिया। ये देखिए कैसा है, इसका ब्लड जमने नहीं दिया, ये 1/2 घंटा में आकर लिया, इसका भी ब्लड को जमने नहीं दिया, ये 1 घंटा में आ गया हमारे पास, इसको भी एंटीवेनम दिया गया, ये भी बच गया, ये आपको जो है ना कि 1.5 घंटा में मेरे पास आ गया, 1.5 घंटा में इसको एंटीवेनम मिला, ये भी बच गया, ये ससुरा थोड़ा सा लेट कर रहा था फिर भी इसको जो है कि हम लोग एंटीवेनम दे दिए, तो ये जो है कि एकदम फर्स्ट क्लास से जो है ना कि इसे कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हम बताते हैं कि 2 घंटे के अंदर में जो है कि आपको एंटीवेनम मिल जाता है तो आपको सांप काटने से मौत एकदम नहीं होगा, लेकिन अगर लेट हो जाता है तब क्या होता है। चलिए अब हम लोग जो है ना कि करते क्या है कि एक जो है ना कि एक ये ससुरा जो है ना कि इसको जो है ना कि सांप का वैनम इसमें हम लोग देते हैं ससुरा को, और इस ससुरा को हम लोग क्या करते हैं कि इसको झाड़ फूँक के चक्कर में 3 घंटा हम लोग लगवा देते हैं। 3 घंटा के बाद क्या होगा वो स्थिति हम दिखाते हैं। चलिए ये देखिए ब्लड एकदम फर्स्ट क्लास से है, और ये 5ों बंदा जो है कि हॉस्पिटल में आकर एकदम फर्स्ट क्लास से ठीक से है। चलिए अब इसमें हम लोग जो है कि थोड़ा सा एंटीवेनम बचा है, इसमें वैनम हम लोग इसमें जहर इसमें हम लोग इंजेक्ट, चलिए इसमें हम जहर को इंजेक्ट कर दिए। अब 3 घंटा तक इसको जो है कि हम लोग यहाँ अलगे रख देते हैं, और 3 घंटा तक इसको जो है कि समझिए कि झाड़ फूँक के चक्कर में इस ससुराल लगल है, देखते हैं कि उसके बाद क्या होता है। चलिए फाइनली हम लोग जो है कि 3 घंटे के बाद जो है कि अब हम लोग निष्कर्ष पे आ गए, एकदम फाइनली रिपोर्ट आपको हम दे रहे हैं। चलिए इधर दिखाइए हमको, यहाँ पर यहाँ से हम थोड़ा सा बैठ जाते हैं, और ये देखिए इसको हम लोग जो है न कि टाइमिंग से इसको हम लोग एंटीवेनम दे दिए थे। थोड़ा सा वीडियो लंबा है लेकिन देखते रहेंगे बारीकी से। ये देखिए इसको अब हम लोग इसमें डालते हैं कैसा जाता है, ये देखिए किस तरह से इसको हम लोग इसमें फर्स्ट क्लास से है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको इसी में, और इसको भी थोड़ा सा ऊपर आ जाते, उठ जाइए, बैठने में नहीं बन रहा था। ये दिखाइए यहाँ पे, ये भी देखिए किस तरह से एकदम फर्स्ट क्लास से है। चलिए इसको भी हम लोग इसमें डाल देते हैं, एकदम जो है ना कि बारीकी से हम लोग को जो है ना कि ध्यान रखना होगा, ताकि जो है कि कहीं से कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि सब में जो है ना कि वैनम पड़ा हुआ है।
चलिए इसको भी जो है कि हम लोग लेते हैं। और ये देखिए इसको भी हम लोग डालते हैं एकदम, देखिए किस तरह से एकदम ब्लड जमने नहीं दिया। और ये ससुरा को इसको भी हम लोग लेते हैं। और ये देखिए इसको भी जमने नहीं दिया। और जो भी लोग हमारे पहली बार व्यू हैं उनसे निवेदन है कि आप जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग में ये जानकारी भरा वीडियो पहुंच सके। चलिए इसको हम लोग यहाँ से इसको भी हम लोग देखिए दो घंटे के अंदर में सबने एंटीवेनम लिया, इसको खून को जमने नहीं दिया। ये देखिए किस तरह से है, इसको हम लोग जो है कि ऑन कैमरा इसको हम लोग नष्ट कर देंगे। चलिए इसको हम लोग यहाँ रखते हैं एकदम। और ऐसा आप लोग जो है कि एकदम करने की कोशिश ना करेंगे क्योंकि ये एकदम जो है कि जोखिम भरा ये काम है। लेकिन ये जोखिम भरा काम आप लोग को हम करके दिखा रहे हैं ताकि आप लोग का जो है कि आँख खुल सके और जो लोग झाड़ फूक में लगे रहते हैं वो झाड़ फूक में ना जाए। अब ये ससुरा को देख लीजिए, ये ससुरा झाड़ फूक में लग गया था। तीन घंटा जो है कि समय अपन बिता दिया। तीन घंटा के बाद ये ससुरा का स्थिति देखिए, ये देखिए, ये देखिए इसको, ये देखिए, ये देखिए ससुरा, ये देखिए, मतलब ये जो है एकर स्थिति जो है कि डमाडोल हो गया। अब एकर स्थिति डमाडोल हो गया, एकर स्थिति। और इस ससुरा के जो है ना कि स्थिति कैसा हुआ, जो झाड़ फूक में लग गया, ओझा गुनी के चक्कर में लग गया और सही समय पर एंटीवेनम लेने हॉस्पिटल नहीं पहुंचा, तो एकर स्थिति आपको दिखाते हैं। ये देखिए एकर स्थिति क्या हुआ, ये देखिए। ऐसे ही आपके शरीर में अगर एंटीवेनम नहीं लेते हैं तो आपको जो है ना कि खून को जो है ना कि शरीर में जमाना चालू कर देता है। ये देखिए किस तरह से, और इसी तरह से आपको जो है कि ब्लड को जो है कि शरीर में जमा देता है जो कि आपको जो है कि धीरे धीरे जो है कि आपको कॉन्शियस होना चालू हो जाते हैं और पूरे शरीर में ये ब्लड जो है कि जम जाता है और उसके बाद लास्ट में जो है कि आपकी जो है कि जहर से आपका मृत्यु हो जाता है। चलिए दोस्तों वीडियो आपको देखें एकदम जानकारी भरा वीडियो आप लोग को बताएं। और आप लोग से निवेदन है, हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करें। और जो पहली बार सब्सक्राइबर नहीं है मेरे पास, जो पहली बार मेरा व्यू कर रहे हैं देख रहे हैं, उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बहुत सारा प्यार दें ताकि ऐसे ही रोचक और इंटरेस्ट भरी वीडियो आप लोग के सामने हम लेते रहें, दिखाते रहें, लाते रहें, दिखाते रहें। और वीडियो को जो है कि शेयर भी करें ताकि इतना नॉलेज भरा वीडियो जो है ना कि केवल आपके पास और मेरे पास ही सीमित ना रह सके, इसलिए इसको इतना शेयर करें, इतना शेयर करें कि ताकि और सारे लोगों के पास पहुंच जाए। और इससे जो है ना कि लोगों को जो है कि अंधविश्वास के चक्कर में रहते हैं, ओझा गुनी झाड़ फूक के चक्कर में लग जाते हैं जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। तो उसका मौत ना हो सके क्योंकि किसी का भी परिवार परिवार होता है, तो हंसता खेलता परिवार अगर किसी के आपके एक सहयोग से एक उंगली टिपने से शेयर करने से ये जानकारी किसी के पास जाता है तो वो अंधविश्वास में जादू टोना झाड़ फूक ओझा गुनी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे और डायरेक्ट ये वीडियो देखकर वो हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।